जब गंगा जी सूख जाएगी तो लोग यहीं पे आके स्नान करेंगे, यहीं पे जल रहता है और कहीं पे जल नहीं होने वाला है। हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। आज हमारी वीडियो की शुरुआत प्रमुख मार्केट हरिद्वार के अपर रोड मार्केट से हो रहा है, जहां पे आपको शॉपिंग के गरम गरम कपड़े भी मिलना शुरू हो चुका है। देख रहे हैं यहां पे काफी अच्छी सुविधाएं मिलती है, होटल धर्मशाला भी मिल जाते हैं देख रहे हैं यहां पे, और खाने पीने की सुविधा मिलती है। और साथ में ये सारी सुविधा होने के साथ साथ ये प्रमुख मार्ग है रेलवे स्टेशन हर की पेड़ी आने जाने का, तो काफी भीड़ होता है इस मार्ग में। देख रहे हैं ठंडी अब आ चुकी है, सुबह की ठंडी होती है, 6-7 बजे ठंडी लगती है हल्की हल्की सी, उसके बाद काफी तेज धूप होता है। अभी हम आपको पूरा मौसम और पूरी जानकारी देंगे हरिद्वार यात्रा के जुड़ी, और आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। लॉकर का भी हम बताएंगे, काफी सारे लोग पूछ रहे थे लॉकर की फैसिलिटी यहाँ पे कहाँ पे, तो लॉकर भी हम आपको दिखाएंगे। दो लॉकर है घाट पे, देख रहे हैं काफी शॉप सजे हुए, गर्म कपड़े का दुकान अब लगना शुरू हो चुका है हरिद्वार में। यहाँ से हर की पैड़ी मात्र 100 मीटर रह गया है, ये देख रहे हैं ये है लॉकर, 30 रुपया पर बैग के हिसाब से यहाँ पे आपको सामान रखने को मिल जाएगा, और अपने सामान रख के आप पूरा हरिद्वार भ्रमण कर सकते हैं सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक। देख रहे हैं सामने ये घाट है, तो लोकेशन आपको याद रखना होगा अगर आपको हर की पैड़ी के पास रखना है। एक तो नई घाट में भी है और रेलवे स्टेशन के पास भी है, और रेलवे स्टेशन के अंदर तो होता ही हर एक जगह। देख रहे हैं काफी सारे रिक्शे खड़े हुए हैं, ये आपको मनसो देवी और साथ में रेलवे स्टेशन तक छोड़ेंगे, मनसो देवी तक 110 रुपया और रेलवे स्टेशन तक 20 रुपया। इधर से आप जाएंगे तो भीमगोड़ा की ओर जाएंगे, सबसे अच्छा रुकने का साधन कहाँ का है तो भीमगोड़ा पीए मिलेगा। ये है ब्रह्मकुंड प्रवेश करने का द्वार, देख रहे हैं इधर से हम आए। ये है यहाँ की प्रमुख शॉप जो कि काफी फेमस है, चारों शॉप देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा महंगे भी मिलते हैं। ये हम आ चुके हैं प्रमुख घाट हर की पैड़ी पे, देख रहे हैं काफी सारे लोग स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। नई घाट में भीड़ ज्यादा होता है दूसरे घाटों के तुलना में, देख रहे सुबह सुबह माँ गंगा के दर्शन। अब हम नई घाट का दृश्य दिखाते हैं आपको, ये है नई घाट। अभी हम जा रहे हैं, ये है धनुष सेतु, और धनुष सेतु का दृश्य आप देखेंगे, काफी बड़ा सेतु है। ऐसे यहाँ पे दो ब्रिज और थे जिसे हटा दिया गया है, करीबन 1.5-2 साल हो गया, और काफी बड़ा होने के साथ साथ ये सीधा ऋषिकेश बाईपास को जोड़ता है हर की पैड़ी से। बस ये वाली जो दृश्य देख रहे हैं घाट का, ये हर की पैड़ी वाली घाट है, मालवी घाट वाला देख रहे हैं, पूरे घाटों का दृश्य यहाँ से अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, भीड़ काफी ज्यादा है यहाँ पे देख रहे हैं। और सामने भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति आपको नजर आ रही होगी, देख रहे हैं यहाँ पे जाने के मार्ग अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई देगा ये वाली ब्रिज, ये है पंचदीप जाने का ब्रिज, इसी ब्रिज से होके आप क्रॉस करेंगे, फिर 5 मिनट लगेगा अगर इस ब्रिज से होके जाते हैं आप, तो अगर आप इस हाईवे में जाएंगे हाईवे से होके तो आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि घूमना पड़ेगा, या तो आपको कंखा से होके जाना पड़ेगा या तो आपको चंडी ब्रिज से होके घूम के यहाँ पे जाना पड़ेगा, दो ही मार्ग है यहाँ पे जाने के, क्योंकि ये हाईवे पे है। अब हम आपको नई घाट का दृश्य दिखाते हैं यहाँ से, ये नई घाट है देख रहे हैं, ये नई घाट है जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं जब गंगा जी सूख जाएगी, ये देख रहे हैं ये है नई घाट, और इधर पूरा जल नहीं होगा। अभी हम चलेंगे ऊपर ब्रिज पे, संजय सेतु है, और हम जाएंगे नीचे की ओर, क्योंकि मार्केट का दृश्य तो हमने आपको पहले दिखा दिया है, मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल चल रहा है अभी, और ये भीड़ और भी कम होगा अभी।
क्योंकि जल की धारा जैसे कम होती है तो लोग कम आते हैं, क्योंकि स्नान करने के लिए परेशानी होने लगती है। बस अब पहुंचने वाले नीचे जहाँ पे आरती होती है, लोग स्नान करते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है। ये हम आ चुके हैं हर की पैड़ी पे, जहाँ पे पहले पानी माँ गंगा की जल की धारा देख रहे हैं पूरी तेजी पे अभी, और फिर से कुछ लोग तैराकी कर रहे हैं किनारे से दूसरा किनारा। तो चल रहे हैं अब हम दूसरे किनारे पे, अब मालवी घाट जाएंगे, मालवी घाट का दृश्य दिखाएंगे आपको। यही घाट है हर की पैड़ी जहाँ पे आरती होती है। इधर आज घाट खाली खाली से नजर आ रहा है, ये ब्रह्मकुंड घाट है। ब्रह्मकुंड घाट में भी आज लोग नहीं है, काफी कम लोग हैं, देख रहे हैं। बीचों बीच खड़े हुए जल के मालवी घाट पहुंचने वाले हम लोग अभी। पूरे घाटों का सामने ये महिला घाट है, भीमगुड़ा से आके अब महिला घाट में एंट्री करेंगे। यहाँ पे जूता स्टेन है, अब इस किनारे का जो है चेंजिंग रूम यहाँ पे है, देख रहे हैं चेंजिंग रूम हम वहाँ पे बना हुआ है पूरे घाटों का। ब्रह्मकुंड की ओर जाने के लिए चप्पल जूता आपको निकालना होगा, तीन द्वार है, तीनों द्वार में जूता स्टेन है जो कि निःशुल्क है। इधर उधर जूता चप्पल रखेंगे तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी, और अपने सामानों का सुरक्षा रखें आप, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है जब तक आप स्नान करके आएंगे सामान पार हो जाता है। तो ध्यान रखें सामानों का, बच्चे बुजुर्ग हैं उनके जेब में एक नंबर और एड्रेस लिख के रखें ताकि वो अगर गुम हो जाए तो किसी को दिखा के वो आप तक पहुँच जाए। और साथ में यहाँ पे काफी सारे लोग कपड़े और पॉलिथीन घाटों पर छोड़ देते हैं, जिसे कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो आप कपड़े या पॉलिथीन का यूज करें, लेकिन उसे डस्टबिन में छोड़े, निकालने के बाद कपड़े को, गीले कपड़े को गंगा जी में बहा रहे थे काफी सारे लोग, जो भी गलत है। देख रहे कितनी तेज है यहाँ पे जल की धारा, काफी सारे लोग यहाँ पे तैराकी कर रहे हैं, लेकिन तैराकी करना यहाँ पे वर्जित है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को चोट लग जाती है, काफ़ी सारे लोग घायल भी हो चुके हैं, इसी कारण लोग मना करते हैं। सबसे अच्छा स्नान करने का तरीका देख रहे हैं यहाँ पे, लोटस स्नान किया जा रहा है, काफ़ी अद्भुत स्नान है ये,